हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहां पे आईआरएफ से क्वार्टर फोर का रिजल्ट यहां पे क्या निकल के आ चुका है। यहां पे कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया। पर शेयर के पीछे कंपनी कितना 0.70 रुपीज का यहां पे क्या रिटर्न दे रही है। यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट पे अगर आप ध्यान दोगे तो कंपनी के रिजल्ट जो है फिलहाल यहाँ पे दिए हुए हैं। सो आपको मैं नीचे साइड स्क्रॉल डाउन करके अच्छे से दिखा देती हूँ। इफ अगर आप यहाँ पे देखोगे सो कंपनी के जो रेवेन्यूज है, मीन्स टोटल रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन देखोगे तो यहाँ पे दिए हुए हैं। कंपनी ने ये क्वार्टर में कंपनी ने कितना मीन्स रेवेन्यू जनरेट किया है करोड़ में देखेंगे तो 6,474 करोड़ का लगभग कंपनी ने यहाँ पे क्या ये क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 6,737 करोड़ का। इट मीन्स कंपनी के जो रेवेन्यू है वो हमको इस क्वार्टर में क्या है गिरते हुए देखने को मिले हैं। लगभग थोड़ा बहुत देखोगे गिरने, थोड़ा बहुत नहीं लगभग पकड़ सकते हो कि अराउंड 203 करोड़ का लगभग क्या कंपनी का जो रेवेन्यू इस बार गिरा है। वही अगर आप ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करते हो जो 2023 में कंपनी ने मार्च में जो टोटल जो रेवेन्यू जनरेट किया था कितने का 6,194 करोड़ का। इट मीन्स क्या यहाँ पे भी कंपनी के अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो यहाँ पे ईयर के क्वार्टर कंपेयर करोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, बट क्वार्टर वाइज देखो तो वो हमको क्या गिरते हुए देखने को मिला है कंपनी का रेवेन्यू। अब बात करेंगे ईयरली बेसिस पे, सो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने कितना यहाँ पे क्या रेवेन्यू जनरेट किया है। ईयरली बेसिस पे देखोगे सो लगभग कंपनी ने कितना 26,645 करोड़ का लगभग कंपनी ने क्या रेवेन्यू जनरेट किया है 2024 में। 23 में कंपनी ने किया था कितने का अगर देखोगे तो 23,722 करोड़ का लगभग। सो यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स ऑफ जो रेवेन्यूज हैं वो लगभग हमको क्या ईयरली वाइज अच्छा खासा क्या ग्रो होते देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की। सो एक्सपेंसेस कंपनी के यहाँ पे दिए हुए हैं, ये क्वार्टर में कंपनी ने एक्सपेंस किया हुआ है कितने का अगर आप देखोगे तो 4,761 करोड़ का, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने एक्सपेंस किया था 5,142 करोड़ का। इट मीन्स कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो हमको यहाँ पे क्या गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। वही अगर आप ईयर एंड के क्वार्टर के हिसाब से देखोगे तो 23 में कंपनी ने एक्सपेंस किया था कितने का 4,946 करोड़ का। इट मीन्स क्या अभी देखोगे कंपनी के जो एक्सपेंसेस हमको ईयर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखोगे तो वो भी हमको क्या कम होते देखने को मिले हैं। अब बात करेंगे ईयरली बेसिस पे, सो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी के जो बोलते हैं ना जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हमको यहाँ पे क्या बढ़ते हुए देखने को मिले। बिकॉज 24 में कंपनी ने एक्सपेंस किया कितने का 20,244 करोड़ का, एंड 2024 में इतना किया। 23 में कंपनी ने एक्सपेंस किया था कितने का 17,596 करोड़ के आसपास कंपनी ने लगभग क्या है ये क्या एक्सपेंस क्या है किया था। तो इट मीन्स क्या कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो हमको यहाँ पे क्या बढ़ते देखने को मिले हैं। अब बात करेंगे कंपनी की बाकी चीजों के बारे में, लाइक हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं यहाँ पे। सो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना सो प्रॉफिट फॉर दी पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है। सो कितना 1,717 करोड़ का लगभग कंपनी ने प्रॉफिट किया एक क्वार्टर में, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया था 1,599 करोड़ का। इट मीन्स क्या कंपनी का नेट प्रॉफिट काफी अच्छा बढ़ा है ये क्वार्टर में। वही अगर आप ईयर के क्वार्टर से भी कंपेयर करो ना तभी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुई देखने को मिला, बिकॉज तभी के टाइम पे कंपनी ने कितना 1,286 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ किया था। ईयरली बेस भी कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ किया। 24 में कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ कितने का किया 6,413 करोड़ का, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में सॉरी प्रीवियस ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट किया था कितने का 6,168 करोड़ का। इट मीन्स क्या कंपनी के जो प्रॉफिट्स ऑफ नंबर है वो हमको ईयरली वाइज प्लस क्वार्टरली वाइज काफी अच्छा क्या बढ़ते देखने को मिला है। ईपीएस भी कंपनी अच्छा खासा प्रोवाइड करी। अर्निंग पर शेयर देखोगे तो कितना 1.32 रुपीज का, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में दे रही थी 1.23 रुपीज का। क्वार्टरली वाइज भी ईपीएस कंपनी का बड़ा है। ईयरली बेस भी कंपनी ईपीएस दे रही 4.91 रुपीज का ये ईयर में, जो कि प्रीवियस ईयर में दे रही थी 4.72 रुपीज का। इट मीन्स क्या रिजल्ट कंपनी काफी अच्छे यहाँ है एक क्वार्टर में आईआरएफसी के। सो डेफिनेटली आप इसमें पैसा डाल सकते हो। सो ये थे कंपनी क्वार्टर फोर के रिजल्ट। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।